ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू विथ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने रिविजन कर लिया था बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्राइस इलास्टिसिटी के बाद इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, नहीं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, नहीं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। तो बेटा इस बार तुम्हारी इनकम चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज आया, ये चीज़ हमको पढ़नी है। ठीक है तो भैया अब अपन बात करते हैं, अगर गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं और लग्जूरियस गुड्स की बात करते हैं। अब आपको सबको पता होगा सर नॉर्मल गुड्स हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जब हमारे गुड्स का अगर नॉर्मल है या फिर लग्जूरियस गुड्स हैं, लग्जूरियस गुड्स लाइक कार हो गई सर, बाइक हो गई सर, फैंसी लैपटॉप फैंसी मोबाइल हो गया, तो सर जब अपनी इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली इन गुड्स की डिमांड बढ़ती है। सर प्राइस के साथ जनरली इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता था, इनकम के साथ जनरली पॉजिटिव यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे लग्जूरियस गुड्स और नॉर्मल गुड्स के केस में जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो कैसा कर्व रहेगा बेटा इसका, बेटा इसका कर्व रहेगा अपवर्ड स्लोपिंग। गुड इवनिंग, यस यस सबका आंसर यस, अनिल यस, जाइए बेटा बुला के ले आइए। और क्विज में गिव अवे रहते हैं, आप लोगों को पता है क्विज में गिव अवे रहते हैं, तो आप आपके दोस्तों को बोल सकते हैं क्विज अटेंड करें, उनके साथ शेयरिंग कर सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हैं ना सर, दो लोग मिलके खेल रहे हैं अपन शेयरिंग कर सकते हैं गिफ्ट की। चल गया सर पेन, चल गया इंक खत्म हो गई थी यानी सेल डाउन हो गए थे इसके। तो अगर अपन ग्राफिकल बात करें तो ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा सर, इस तरीके से सर इनकम बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम डिमांड कम। सर लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या रहता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में उल्टा रहता है। इन्फीरियर गुड्स के केस में कैसा रहता है सर, इन्फीरियर गुड्स के केस में ऐसा रहता है यानी तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम होती है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि सर अपने परचेसिंग पावर कम हो जाती है, इनकम कम होने के कारण अपन इन्फीरियर गुड्स ही परचेस कर पाते हैं। ठीक है सर। फिर सर एक आता है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी यानी आपकी इनकम कितनी भी होने दो आपकी डिमांड उतनी रहने वाली है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम ज़्यादा है तो भी क्वांटिटी की इतनी ही डिमांड है मार्केट में, अगर आपकी इनकम कम है तो भी इतनी ही डिमांड है। ओके ओके, जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया कई लोगों को, पर जस्ट स्टार्ट किया है ना, जस्ट स्टार्ट किया, तो बहुत सिंपल है, अपन ये सारे रिलेशनशिप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। EY is equals to 1, EY greater than 1, EY less than 1, EY less than 0, EY equals to 0, EY यानी इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी 0 है, यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 आती है, सर इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव आएगी ऑब्वियसली, सर इनवर्स रिलेशनशिप है तो आंसर नेगेटिव में आना है। और सर यहाँ पे 0 से बढ़कर कितनी भी आ सकती है सर, 0 से बढ़कर कितनी भी आ सकती है, बात समझ में आई आपको। चलिए इनकम इलास्टिसिटी हो गई, तो कुछ नहीं करा बेटा अपन ने, प्राइस इलास्टिसिटी हो चाहे इनकम इलास्टिसिटी हो, अपन ने कुछ नहीं करा वहाँ पे, बस कितना चेंज हुआ है इस चेंज को मेजर करने को बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में उन्होंने 5 मेथड सजेस्ट किए थे, इनकम इलास्टिसिटी के अंदर उन्होंने जनरली एक ही मेथड यहाँ पर रिकमेंड किया है, कौन सा वाला भैया, परसेंटेज चेंज वाला। ठीक है, ना ही आर्क के बारे में बोला है, ना ही डेरिवेटिव के बारे में बोला है, ना ही ग्राफिकल के बारे में बोला है, ना ही एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है, उन्होंने यहाँ पर एक ही रेकमेंड किया है, ओनली वन इज रेकमेंडेटरी। ठीक है जी, हमारी बुक के अंदर रेकमेंडेशन के अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं, तो मैं देख रहा हूँ और कुछ दिया है क्या। नहीं सर, हमारी बुक में भी और कुछ नहीं दिया। तो भैया हमने दो रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर लिए, एक इनकम के साथ एक प्राइस के साथ। अब हम
अदर गुड्स के साथ यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ, अनरिलेटेड गुड्स के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो भैया सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो इसके साथ इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल एंड इट्स कवर, कार एंड पेट्रोल। सर सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जो इसके रिप्लेसमेंट में यूज होता है, टी कॉफी, बराबर है, समझ में आ रहा है आपको। तो इनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। और एक है अनरिलेटेड गुड, जैसे सर शक्कर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा कैलकुलेटर के रेट बढ़ने के कारण, तो भैया कैलकुलेटर और शक्कर शुगर टोटली अनरिलेटेड गुड्स हैं, तो उसके बीच में भी रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है। अभी हम विदाउट लुकिंग इनटू ग्राफ इसका रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर दो गुड सब्स्टिट्यूट है, लेट्स से दिस इज टी एंड दिस इज कॉफी, टी का प्राइस अगर बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों भैया, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक की अगर प्राइस बढ़ गई तो बंदा ये खरीद लेगा ना, क्योंकि कंपैरेटिवली सस्ता है। तो भैया ये सस्ता नहीं हुआ बट रिलेटिवली सस्ता हो गया, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो भैया अगर मान लो क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में निकालनी है तो कैसा रिलेशनशिप है, सर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। यही अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कार है ये साहब और ये पेट्रोल है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो कार की डिमांड कम हो रही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप। और क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में सर कैलकुलेटर के रेट के बढ़ने के कारण शुगर के प्राइस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, सर कुछ भी नहीं आ रहा, इसका प्राइस कितना भी कम ज्यादा होना चाहिए तो कांस्टेंट है, यानी कि ये कैसा आ जाएगा सर, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सर पॉजिटिव वाले में ई आई लेस देन वन कैसे होगा, लेस देन वन है, नेगेटिव नहीं बोला बेटा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये जीरो है, ये जीरो है। मैंने क्या बोला बेटा, क्या लेस देन वन को मैं 0.9 लिख सकता हूं? अरे हाँ सर, लेस देन वन को आप 0.9 लिख सकते हो। क्या 0.9 पॉजिटिव है? तो यहां पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, यहां पे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, यहां पे जीरो आ रहा है। तो सर ये जो है ये जीरो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव इधर आ गए। अब पॉजिटिव इक्वल टू वन भी हो सकता है, ग्रेटर देन वन भी हो सकता है, लेस देन वन भी हो सकता है, एज सिंपल एज दैट बेटा। जी प्रगति, ग्राफ सब में सेम है बेटा, क्लियर हो गया आप सबको? चलिए जी बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी, अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप इसका जवाब देंगे। सर अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कार की डिमांड डिक्रीज हो रही है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज, कार की डिमांड डिक्रीज, ये एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन है या फिर इंक्रीज डिक्रीज है, आपको बताना है। ठीक है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज डिक्रीज है, क्या है मतलब चारों में से क्या है सर? सुरेश, यस यस सुरेश, आप बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं आप सभी लोग, काफी पुरानी स्पीच वगैरह से मेरे को समझ में आ गया, ट्रेंड कर दी आप लोगों ने मेरी कल वाली बात एकदम दिल पे लेके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे, कीप इट अप, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सेम इंटर वालों को भी डांट दिया थोड़ा सा, अब वो भी मोटिवेटेड हो जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा। कल से तो अपने दी रोहन निम्बालकर सर आ रहे हैं, टीचर्स के टीचर, यानी मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, मेरे को पढ़ाने का 4 साल का एक्सपीरियंस, को 12 साल का एक्सपीरियंस, यानी जब मैं पढ़ रहा था तब वो पढ़ा रहे थे। तो भैया टीचर्स के टीचर्स आ रहे हैं, टीचर्स के टीचर आ रहे हैं, तो आपको कल और उनसे मोटिवेशन देखने को मिलेगा। बनी कोहली सर भी मुझसे बड़े हैं, सभी बड़े हैं मुझसे बेटा। यहाँ पे गलत कॉन्ट्रैक्शन बोलने वाला गलत है, अरे भैया ये रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई है, अरे कार की थोड़ी प्राइस चेंज हुई है, कार की प्राइस चेंज होने के कारण इसकी डिमांड चेंज होती है तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होता है। सर ये अदर गुड था, ये अदर गुड का प्राइस सर, ये फैक्टर अदर देन प्राइस, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा, तुमने प्राइस सुना और डिमांड सुना, अरे इसी गुड्स का प्राइस और इसी गुड्स की डिमांड की बात कर रहे, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, ये दूसरा गुड्स है सर, ये अदर फैक्टर्स है। किसने बेटा कॉन्ट्रैक्शन बोला? रहमानी करेक्ट कर लेना खुद को। अतुल कैसे गलत आंसर दिया? नलायक, चंदन गलत बात। पांच साल बड़े हैं कम से कम वो मुझसे, प्रेक्षा, प्रेक्षा 5 साल बड़े हैं वो मुझसे, 5 भी ज्यादा कम बोला मैंने, 6 साल बड़े, 5-6 साल। भाई जल्दी आया कर फैजान। ओके बेटा, क्लियर हुआ आप लोगों को?
चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अपनी क्रॉस इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं। बेटा मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। सर एक का प्राइस, एक की डिमांड, इंक्रीज बोला जाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक कम दूसरा कम, सर ये रिश्ता पॉजिटिव जायज कहलाता है, इसलिए ग्रेटर देन वन। बेटा आप ये मत पूछना सर लेस देन जीरो, लेस देन वन कैसे हो सकता है, लेस देन जीरो नहीं बोला, लेस देन जीरो नेगेटिव होता है, यहां पे सब पॉजिटिव आते हैं। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़े, वन से छोटा हो सकता है, जीरो से वन के बीच में लाया कर सकता है, वन हो सकता है, वन से बड़ा हो सकता है। सर अगर मान लो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री रहे तो, सर कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव आ जाता है, कार का सॉरी पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार की डिमांड कम। और सर अनरिलेटेड गुड्स रहे तो, सर यहाँ पर अपना आ जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। सर कितना सिंपल है, अरे भाई बेहद सिंपल है, हद से भी ज्यादा बेहद। सर समझा नहीं मैं कैसे डिसाइड किया कि इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन कब होता है, जब अगर तू कार की बात कर रहा है, कार की बात कर रहा है, कार का प्राइस ही बढ़ा है, कार का ही क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कार की डिमांड की बात कर रहे हैं, कार के ही प्राइस की बात कर रहे हैं, तो एक ही भाई एक ही कमोडिटी के अंदर चेंज हो रहा है एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन। भाई अभी तो मैंने तेरे को क्या एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कार और पेट्रोल का, कार और पेट्रोल का। सर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, कार की डिमांड पता कर रहे, बेटा कार के प्राइस को तो छेड़ा ही नहीं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, कार की डिमांड कम हो जाएगी, ये तो ऑब्वियस है, पर सर इसकी क्वांटिटी में चेंज क्यों आया, बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी। नरेंद्र क्लियर है क्या? सर टू डिनोट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वी यूज एंड बिटवीन टू, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम इंग्लिश के टीचर से पूछोगे तो यस, इंग्लिश BCR के हिसाब से जाओगे तो परफेक्ट, हमारे केस में हम लॉजिक से जाते हैं, एंड और के केस में नहीं जाएंगे, पर यस इंग्लिश में जा रहे हो, यू आर गोइंग गुड। अनिल नरेंद्र क्लियर है? ठीक है, आज आप सभी लोग बहुत रेलेवेंट चीजें पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी ये बात सुन लेता हूं। आगे बढ़ते हैं सर, अब स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड। अब बस दिल थाम के बैठ जाओ, दिल थाम के बैठ जाओ, आपको बहुत बेहतरीन चीज मैं बताने वाला हूं यहां पर। सर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सर क्यों मजा आने वाला है हमको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जो तुमने आज तक सुनी नहीं है, मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं मैं आपको, क्वेरीज बाद में, क्वेरीज एंड में लेंगे, ठीक है, सारी की सारी क्वेरीज अपन एंड में लेंगे, तो आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है बाद में। हाँ जी, ये बहुत मजेदार चीज है साहब, ऐसी चीजें दुनिया में हुई है जो आपको पता नहीं है, आप खुद बोलोगे कि भैया काश में ये फोरकास्टिंग का पार्ट बना होता किसी दिन। चलिए जी पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मेरी बात सुनिए। सबसे पहला सवाल ये आता है, डिमांड फोरकास्ट करना जरूरी क्यों है? लेट्स से दिस इज नरेंद्र नरू, नरू इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है। नरू ने एक्सपेक्ट किया कि भैया डिमांड मेरे को पता नहीं कितनी होगी, मैं तो 100 प्रोड्यूस करेगा। नरू का एक कॉम्पिटिटर भी है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी नहीं है अपने को, वो CPT के क्वेश्चन थे, अब नहीं है अपने को एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी नहीं है, आपकी मॉड्यूल चेक कर लीजिए, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं बाद में वापस करवा सकता हूँ एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, पर बेटा नहीं है वो चीज़, आपको सिलेबस में नहीं है, आप मत पढ़िए उस चक्कर में, एक दो लाइन दे रखिए, किसी काम की नहीं है। हाँ नहीं नहीं, ये नरेंद्र अपना ये वाला कुमावत नरेंद्र, और दूसरा है दूसरा कौन है, निखिल है, ये निखिल है, भैया अब ये लोग मोबाइल बेचने दोनों, ये इसका कॉम्पिटिटर है, ये बोलता है मैं 100 यूनिट्स ऑफ मोबाइल ही बनाने वाला हूं, डिमांड गई तेल लेने कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अपन इसके डिसीजन को इवैल्यूएट करते हैं, मान लीजिए मार्केट में एग्जैक्ट 100 की डिमांड रही तो भैया इसका डिसीजन सुपीरियर है, बहुत सही बात है सर, इसने बना लिया बराबर 100 यूनिट बना लिया, पर गलती से कल करके 200 यूनिट की डिमांड आ गई तो क्या होगा,
अगर 200 यूनिट की डिमांड आ गई तो 100 यूनिट ही ये पूरा पाएगा, 100 यूनिट इसके पास उठ के चले जाएंगे, और एक बार ये इसके कस्टमर बन गए तो परमानेंट कस्टमर हो जाएंगे। यानी कि सर चांसेस है कि अगर अपन ने डिमांड को अंडर एस्टिमेट किया तो अपने कस्टमर टूट सकते हैं। तो सर आप बोलेंगे ऐसे केस में तो अपन ने हमेशा एक्सेस स्टॉक रखना चाहिए। मैं 300 200 की डिमांड आने वाली है, सॉरी लेट से नेक्स्ट केस लेते हैं कि डिमांड एक्चुअली 50 की आई और इस भाई साहब ने बना के रख लिए 100। अब ये 100 यूनिट बनाने के लिए इसको कुछ पैसे लगे होंगे, इसने इन्वेंट्री खरीदी होगी, ठीक है, डेटर्स को उधारी पर दे रखा होगा, तो भैया कहीं ना कहीं इसने ये पैसा अटका दिया। यही पैसा अगर ये FD के अंदर डाल देता तो ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उसमें कमा सकता था। यानी कि सर अगर आपने ओवर प्रोडक्शन कर लिया तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, और अगर आपने अंडर प्रोडक्शन कर लिया, अंडर डिमांड फोरकास्टिंग कर ली, इसका मतलब आप कस्टमर लूज कर रहे हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर अंडर प्रोडक्शन किया, अंडर एस्टिमेट किया, तो भैया चले गए अपने पास से कस्टमर। ओवर प्रोडक्शन ओवर एस्टिमेट कर लिया तो खर्चा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आपको डिमांड फोरकास्टिंग आनी चाहिए। अब सर मैं एक नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी? तो इन्होंने कुछ साइंटिफिक मेथड्स दिए हैं, कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स दिए हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, लेकिन कुछ मेथड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई बात नहीं बेटा, आ जाइए सब जल्दी जल्दी आ जाइए। तो भैया नारू अपने कस्टमर लूज कर सकता है, निखिल के पास कस्टमर चले जाएंगे अगर अंडर प्रोडक्शन किया, ओवर प्रोडक्शन कर लिया तो भैया इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर लेगा। तो ऐसे समय नरेंद्र को बहुत तरीके से डिमांड की फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो डिमांड फोरकास्टिंग करना मतलब क्या होता है? जैसे अपन वेदर को फोरकास्ट करते हैं उसी तरीके से अपन डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। आइए जी इसके अंदर अपन पहला मेथड देखते हैं, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है जो बायर होगा उसका आपको इंटेंशन पता करना है, ठीक है। कैसे करेंगे सर? पोटेंशियल बायर तक पहुँचा जाएगा, उसको इंटरव्यू किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से एक क्लास है, ठीक है, इस एरिया में एक ही क्लास है, आदित्य शर्मा अकेडमी। सर आदित्य शर्मा अकेडमी है, इसके अंदर 100 जीवित बच्चे। सर जीवित मृत थोड़ी रहेंगे, सर जीवित ही रहेंगे, जीवित मतलब लाइव स्टूडेंट है सर। सर 100 बच्चे बैठे हैं और ये शहर में आसपास और कोई भी क्लासेस नहीं है सर, दूर दूर तक 50-50 किलोमीटर 50-50 कोस तक कोई क्लासरूम नहीं है। अब एक नया स्टेशनरी वाला आ रहा है, स्टेशनरी वाला ना अपने एक नई टाइप की नोटबुक लेकर आने वाला है, तो जानना चाहता है कि भैया मेरे नोटबुक की डिमांड कितनी रहेगी। तो वो क्या करा, उठ के मेरी क्लासरूम में आ गया, मेरे को बोला सर मेरे को ज़रा स्टूडेंट से पता करने दो, मैं सैंपल दिखाता हूँ इनको, इनका इंटेंशन पता करा जाए। तो बेटा इस बार पोटेंशियल कस्टमर जो आगे जाके इसके कस्टमर बन सकते हैं उन्हीं से इसने पूछ लिया, उन्हीं का इंटेंशन पता कर लिया। तो इसको बोला जाता है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। इसके अंदर कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, यानी सबको सबको पूछना। तो भैया इसने 100 के 100 लोगों को नोटबुक दिखाई, 100 के 100 लोगों से ओपिनियन ले लिया और उसके बेसिस पे प्रोडक्शन करना या नहीं करना डिसाइड कर लिया। तो इसने क्या किया, बायर का इंटेंशन पता किया, इसको बोलते हैं सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। इसके अंदर एक मेथड आता है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। पर सर हुआ क्या, उस दिन पता है कौन सा दिन था, जिस दिन ही आया पहला वाला मेथड हो गया। अब समझो ये एक दिन ऐसे दिन आया जिस दिन मैं फीस कलेक्ट करने वाला था। इनको सारे स्टूडेंट्स को पता है कि सर सैटरडे को फीस के बारे में पूछते हैं, मंडे टू फ्राइडे सर फीस का कुछ नहीं पूछते, सैटरडे को ये बराबर पूछते हैं, क्योंकि फ्राइडे को इनके घर पे इनकी मम्मी बोलती है भाई तू पैसे क्यों नहीं लेकर आ रहा, बेटा पैसे क्यों नहीं लेकर आ रहा। तो सैटरडे को ना 90 बच्चे एबसेंट थे सर, ये तो तुम करते ही आए हो स्कूल में स्कूल टाइम से, तो सर 90 बच्चे एबसेंट, फ्यूचर प्रेडिक्शन बोल सकते हैं। सर मजेदार एग्जांपल सुनो, आज मजे हैं सर, 90 बच्चे गए हुए, ये आया बेचारा आदमी, इसने 10 बच्चे देखे, 10 बच्चों को बुक्स दी, 10 में से 9 बच्चों ने बोला सर परफेक्ट है, नोटबुक मस्त है परफेक्ट है, एक ने बोला नहीं मेरे को ठीक ठाक लगी। तो इसने क्या किया, इस बार कंप्लीट एन्यूमरेशन सबको नहीं जांचा सर, इसने एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल को सिलेक्ट किया, उस सैंपल को देखा, उस सैंपल में से 90% ने हाँ बोला, इसने बोला अगर 1 करोड़ लोग भी होंगे तो अभी उसमें से 90% हाँ बोलेंगे।
बराबर है कि नहीं सर? तो उसने क्या किया, एक छोटे से सैंपल को चेक किया और बोला कि भैया अगर सैंपल में से 90% सिलेक्ट हो रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तो भैया 1 करोड़ में से भी 90% सिलेक्ट कर लेंगे, 100 में से भी 90% सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको बोला जाता है सैंपल सर्वे मेथड। ये मेथड कब यूज़ किया जाता है? जब आपकी पॉपुलेशन, आपके कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। समझ में आया आपको? लास्ट है एंड यूज मेथड। एंड यूज मेथड पे ध्यान देना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यूज मेथड में क्या किया जाता है, आप पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढते हैं, कंज्यूमर को नहीं, कस्टमर को ढूंढते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कोको कोला में गया, कोको कोला कंपनी के अंदर गया, पेप्सिको कंपनी में, और पेप्सिको कंपनी में जाके मैंने पूछा भैया मैं एक मशीन बनाते हुए तुम्हें मशीन खरीदनी है क्या? तो इसमें डिफरेंस क्या है पुराने एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में? इसके अंदर अपन फाइनल प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं जनरली, अपन इनपुट बेचते हैं। तो इसको बोला जाता है एंड यूज मेथड, एस्पेशली यूज इन फोरकास्टिंग डिमांड फॉर इनपुट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनल यूजर। यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, इनपुट के केस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, पेप्सी को कंपनी को मैं मशीन बेचने गया, ठीक है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी सर, इसको बोला जाता है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। जो खरीदने वाला है उसी से पूछा जाए, या तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड यानी हर एक को काउंट कर लेना, दूसरा है सैंपल सर्वे, और तीसरा है एंड यूज मेथड। बात समझ में आई बेटा? बेटा आगे बहुत मजेदार मेथड है, मुझे पसंद है, क्योंकि अभी अपन पूरा टेक्निकल पार्ट क्रॉस करके आए ना, तो अब ये पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। पहला मेथड कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। ये मैं क्यों इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ पता है? क्योंकि मेरी रेगुलर क्लास, जो मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ ना, उसके अंदर वो लेक्चर गायब हो गया, गुम गया, करप्ट हो गया। तो मैंने बोला चलो 15 मिनट ही तो लगेंगे इसको पढ़ाने में, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इतना डिटेल में रिविजन में तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, है ना, आप भी जानते हैं। तो ये रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। फिर आता है सर कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड नाम से समझ में आ रहा है सर, एक ऐसा मेथड है जहां पे ओपिनियन लिया जाएगा एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे लोगों का। एंड यूज मेथड के अंदर क्या होता है, एंड यूज मेथड के अंदर अपन फाइनल प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते हैं। नोटबुक बेचने नहीं जाऊंगा मैं, नोटबुक के बारे में पता करने नहीं, कैलकुलेटर के बारे में पता नहीं करने जाऊंगा, मशीनरीज, इनपुट सर, कुछ रॉ मटेरियल, ये बेचने के लिए, यानी जो फर्दर प्रोसेस होगा आगे जाके, या फर्दर प्रोडक्शन में यूजफुल रहेगा, एंड यूज मेथड। आई नो। अब बात करते हैं बेटा कलेक्टिव ओपिनियन मेथड की। नाम से समझ में आ रहा है यहां पे एक ऐसा मेथड है जहां पे ओपिनियन लिया जाएगा, पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, कलेक्टिवली। ये एग्जांपल आपने जरूर देखा होगा, मान लीजिए ये कौन है, आशीष है, ये आशीष की एक फैक्ट्री है, आशीष बनाते हैं डिटर्जेंट, चमको डिटर्जेंट, ठीक है? अब ये चमको डिटर्जेंट बनाता है और ये इस लोकेलिटी में वर्क करता है, ये इसकी लोकेलिटी है, यानी ये इसका मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है सर, पूरा का पूरा शहर है। तो इसने क्या किया, इस मार्केट को अपने हिसाब से टुकड़ों में बांट दिया और हर एरिया के अंदर रिस्पेक्टिव सेल्समैन को भेजा। यहां पर भी भेज दिया, यहां पर भेज दिया, यहां पर भेज दिया, सबके हाथ में पैकेट पकड़ा दिए। पैकेट मतलब डिटर्जेंट था, नहीं तो तुम समझोगे कुछ तो भी बेच रहा है, क्या बेच रहा है। तो भैया इसने अलग अलग मार्केट में कलेक्टिव ओपिनियन, एक का ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, कलेक्टिवली सबका ओपिनियन लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है सर? अब इन लोगों को बोला जाएगा अपने रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर सामान बेचो, तुम्हारी एरिया में पहचान है ना, जिसकी जो एरिया में पहचान रहती है उसको उस एरिया में सामान बेचने के लिए बोला जाता है। तो आपने देखा हो घर घर डिटर्जेंट लेकर आते हैं, बड़ी सोसाइटीज में नहीं लाते, लेकिन मिडिल क्लास और लोकल ऐसे जो रहते हैं ना, एकदम थोड़े लो कैटेगरी के एरियाज रहते हैं, वहाँ पे जनरली ये सारा होता है, बड़े एरिया में आने नहीं देते हैं। तो शायद कुछ लोगों ने शायद ना भी देखा हो, तो भैया ये ऐसे पैकेट लेकर आते हैं।
फिर ये क्या ले जाता है, 50 पैकेट ले जाता है। ये जो 50 पैकेट बेचता है इसके बदले से कमीशन मिलता है, लेकिन इसके बदले ना ये पूरी की पूरी डेटा लिस्ट लेकर आता है कि कौन से लोग लेने वाले, शर्मा जी नहीं लेंगे, वर्मा जी नहीं लेंगे, दुबे जी ले लेंगे, चौबे जी नहीं लेंगे, छब्बे जी नहीं लेंगे, तो सर पूरी लिस्ट बना के ले आता है। लेट से ये लिस्ट लेकर आया, इसने बोला सर 60% चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा, इसने अपने एरिया में चेक करा बोला सर 70% चांसेस है, ये वाला बहुत चालू, इसने बोला मैं 100% बोलता हूँ ताकि मेरे को सारे के सारे पैकेट का कमीशन मिल जाए, सर ये बोलता है नहीं साहब 30% ही लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, आपका कलेक्टिव ओपिनियन लिया जाएगा, कलेक्टिवली सबका ओपिनियन लिया जाएगा कि आपको क्या क्या लगता है। लेकिन यहाँ पे इसको ग्रास रूट लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि भैया एकदम डीप में सेल्समैन को आप दौड़ाते हो उस एरिया के अंदर, अपन रीड करेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। फिर सर लेट से इन सबका कलेक्टिव ओपिनियन लेके मुझे समझ में आ रहा है कि 70% चांसेस है कि मेरा प्रोडक्ट चल जाए, लेकिन सर फिर भी मैं इसमें कुछ प्लस माइनस एडजस्टमेंट करूंगा 10-20%, ताकि आगे जाके फ्यूचर में रिस्क हो, कोई कॉम्पिटिटर आ जाए तो एडजस्टमेंट करके मैं बोलूंगा सर 60-80% चांसेस है कंपनी के चलने के। तो क्या किया सर, इसको बोला जाता है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। आप सेल्स पर्सनल्स को दौड़ाते हो, पूरे एरिया में भेजते हो, उनसे एक्चुअल डेटा मंगवाते हो, कंपाइल करते हो, एवरेज निकालते हो, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, एवरेज निकालते हो, एडजस्टमेंट करते हो। अब पढ़ते हैं कौन सा पैकेट नालायक, आइए पढ़ते हैं सर कलेक्टिव ओपिनियन। सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर ग्रास रूट अप्रोच भी बोला जाता है। क्यों, अब आपको नाम समझेगा, कलेक्टिव ओपिनियन नाम समझ गया, सेल्स फोर्स ओपिनियन क्यों, सेल्स फोर्स मतलब सेल्समैन, सेल्स फोर्स का मतलब क्या होता है आप लिख लीजिए, सेल्स फोर्स का मतलब होता है सेल्समैन। तो सेल्समैन किस में दौड़ा है अपन, ये वाले मेथड में या फिर ग्रास रूट अप्रोच। अभी मैंने आपको बताया सर एकदम लोगों के घरों में घुस जाते हैं, याद है आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में हल्दी है, क्या आपके टूथपेस्ट में अदरक लहसुन लौंग इलायची निरमा साबुन कंघी कोलगेट टूथपेस्ट है, सारी चीजें बोली जाती थी। तो सर सीधा घर में घुस रहे थे ये लोग, तो कलेक्टिव सेल्स ओपिनियन मेथड हो रहा था। इस तरीके से नहीं घुसते हैं, पर वो एक ऐड का एग्जैजरेशन था। फर्म्स हैविंग वाइड नेटवर्क ऑफ सेल्स पर्सनल, सेल्स पर्सनल सेल्समैन कैन यूज नॉलेज एक्सपीरियंस एंड स्किल, ऑल्दो दिस मेथड इज सिंपल बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी डायरेक्टली आपको एंड यूजर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, पर यहाँ पर सर पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होगा। कोई बोल रहा है 60% चल रहा है, कोई बोल रहा है 40%, कोई बोलता है 90%, और सर लोग झूठ भी बोल सकते हैं, इसलिए आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी करते हैं प्लस माइनस। फैजान ने मतलब उनके घर पे किया है इन लोगों ने ये मेथड, हार्पिक वाला भी घर में घुस जाता है, अक्षय कुमार भी घुस जाता है आजकल घर के अंदर। तो सर ये सब डिमांड फोरकास्टिंग के तरीके हैं, अपन ने देखा है, मैंने बचपन में देखा है, मैं बचपन में एकदम मिडिल क्लास एरिया में रहा हूँ, अभी थोड़ा हाई क्लास एरिया में भगवान की दया से रह लेता हूँ, आप लोगों की कृपा से रह लेता हूँ अच्छे हाई फाई एरिया के अंदर। लेकिन जब मैं भी मिडिल क्लास एरिया में रहता था तब मैंने देखा था कि भैया घर घर आ जाते हैं, और जनरली जब अपन मिडिल क्लास लोग रहते हैं ठीक है, जब कोई ऐसे घर पे आ जाते हैं ना कहीं मन में टेम्पटेशन होता है, अपन खरीद लेते हैं प्रोडक्ट, एक बार तो यूज़ करते हैं, फिर वो अगली बार आता है और पूछता है कि भैया आपको पसंद आया क्या, हम बोलते हैं ठीक है अच्छा है प्राइस भी सस्ता है, तो ये भी एक अच्छा मेथड होता है। सर एक मस्त मेथड आने वाला है, एक मस्त मेथड आने वाला है, ड्रीम इलेवन वाले भी घुसते हैं, ये मैं कर लूंगा। फिर चल आगे बढ़े, मैंने बोला ना मजेदार मेथड है ये सारे, सुनने में कितना अच्छा लगता है। अब सर अपने को ने सेल्समैन पे भरोसा नहीं है, अब हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे लिखते हैं, एकदम भारी बताऊंगा, जिसने मेरी रेगुलर क्लास या एग्जाम ओरिएंटेड, रेगुलर क्लास में तो तूफान मजा होता है, जिसने एग्जाम ओरिएंटेड भी क्लास करी होगी ना उसको पता है मेरी ड्रॉइंग्स कितनी सारी रहती है, और ड्राइंग मैंने एक बार कर दी तो बच्चे के दिमाग में फिट है भैया वो चीज़, ड्राइंग एक बार बैठ गई बच्चे के दिमाग में फिट इन्फॉर्मेशन। साहब क्या हुआ, मेरे सेल्समैन सारे निकम्मे निकले, वो सिर्फ खुद के कमीशन के लिए सारा काम किए जा रहे थे, तो मैंने बोला मेरे को नहीं ये सारी चीज़ें चलेगी, मुझको ना एक फैक्ट्री डालनी थी। किसकी बात करते हैं अपन,
क्या बोल रहा है संदेश? अरे लक्ष्मीचंद, तुमने जो देखी है उससे भी 10 गुना ज़्यादा ड्राइंग रहती है रेगुलर में, तुमने तो एग्जाम ओरिएंटेड देखा है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ दिनेश, इसलिए मैं आजकल सोच समझ के बोलता हूँ। पैकेट वैकेट का मतलब क्या है? संदेश क्या बोल रहा है नहीं समझ में आया। मेरा नाम लो सर, ठीक है ओमकार, मैं नाम ही सुन रहा था बेटा। ओमकार है ओमकार, ओमकार को भी एक फैक्ट्री डालनी है, ओमकार को मिलक फैक्ट्री डालनी है। कौन सी मिलक? तो सर ओमकार को मिल्क फैक्ट्री डालनी है, लेट से ये वाले पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है हाइपोथेटिकली ये पर्टिकुलर एरिया में डालनी है उसको फैक्ट्री। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एरिया को, और चलिए ये है अपना एरिया लेट से। इसने बोला कि भैया मैं सेल्समैन को अगर मान लो बोलूँगा कि जा दूध लेके चले जा, जाके घर घर बेच के आ, आधे घंटे में दूध फट जाएगा। दूसरा मेरे सेल्समैन इतने काम के नहीं निठलने, और सर मैं ये वाला मेथड भी फॉलो नहीं कर सकता। कौन सा वाला मेथड सर? सर पहला वाला, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, घर घर जाके बोल नहीं सकता है दूध देखो अच्छा है या नहीं। अरे दूध तो दूध है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो थोड़ी पता चलता है। तो भैया जब कुछ मेथड फेल हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन लेता हूँ। एक्सपर्ट टेक्निक, एक्सपर्ट ओपिनियन वॉज डेवलप बाय रैंड कॉरपोरेशन ऑफ USA, जिसको डेल्फी टेक्निक बोला जाता है, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है, इसमें एक डेल्फी टेक्निक है, डेल्फी टेक्निक याद रखना। इसमें क्या किया जाता है बेटा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ना एक राउंड टेबल लिया जाता है और उसके ऊपर ना एक्सपर्ट्स को बिठा दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। सर ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही जाने माने लोग रहते हैं। अभी आपको इसके पैर नहीं दिखेंगे, 3D व्यू है, ऊपर से देखो इसको, एकदम ऊपर से देखो तो समझेगा। सर इनकी सिर्फ खोपड़ी दिखेगी आपको, 3D व्यू है, तुमको नहीं समझेगा, ड्राइंग सीखो मुझसे। सर यहाँ देखो थोड़ा सा दिख रहा है, सर फिर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है जो इंडस्ट्री में एकदम सुपर एक्सपर्ट रहते हैं। सबके हाथ में एक पावती पकड़ा देते हैं, पावती एक क्वेश्चनेयर पकड़ाया जाता है, सबको एक एक क्वेश्चनेयर दे दिया जाता है लो, और उसके अंदर बहुत सारे चेकलिस्ट रहती है, क्वेश्चंस रहते हैं, सबको दिया जाता है, बोला फिल करो। कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, सबको बोला जाता है फिल करो। सबको ये अपने एक्सपर्ट नॉलेज की हेल्प से फिल करता है। उसके बाद इस पर अपना नाम नहीं लिखता है कोई, ना 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 ना, इस पर नाम नहीं लिखेगा कोई अपना, नहीं तो पता चला इसका और सामने वाले का क्रॉस चल रहा है तो जानबूझ के उसके ओपिनियन को क्रॉस करेगा। तो क्या किया जाता है, नाम नहीं लिखा जाता है। फिर ये पेपर सबको सर्कुलेट किया जाता है, रोटेट किया जाता है, सबके पास रोटेट किया जाता है। तो भैया सबका पेपर आगे बढ़ता है, इसका इसके पास गया, इसका इसके पास गया, इसका इसके पास गया, ऐसे घूमते घूमते हर एक का पेपर हर कोई पढ़ लेता है और वापस जिसका पेपर है उसके पास आ जाता है। जब उसका पेपर उसके पास वापस आता है, तब तक उसने और 25 एक्सपर्ट के ओपिनियन ले लिए रहते हैं, और फिर वो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करता है और नया सबमिट करता है ओपिनियन। हर कोई अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करता है। तो ये बहुत ही सुपीरियर टेक्निक है, डेल्फी टेक्निक, इसको रैंड कॉरपोरेशन ऑफ USA ने डेवलप किया है, इसको बोला जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन। पढ़िए सर, डेल्फी टेक्निक, द डेल्फी टेक्निक डेवलप बाय ओलिव हेल्मर ऑफ रैंड कॉरपोरेशन ऑफ USA प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन जजमेंट फॉर फ्रॉम डाइवर्स एक्सपर्ट। सर फिर बताते हैं कि आपको इस एरिया में डालनी चाहिए फैक्ट्रियाँ, नहीं डालनी चाहिए। हाँ सेंसोडाइन एक्सपर्ट, नहीं है रेगुलर वाले, रेगुलर वाले एग्जाम ओरिएंटेड सब में ये पार्ट स्किप हो गया किसी रीजन से। सर आप भगवान हो, थैंक यू। सर मजा आता है ऐसी टेक्निक्स में, मजा आता है, तुम्हें पता है मैं एक बार एक्सपर्ट रह चुका हूँ। मेरे को क्यों मजा आता है पढ़ाने में, मैं एक्सपर्ट रह चुका हूँ एक बार। अब आप लोगों को शायद लगता होगा इतनी छोटी उम्र में आप कैसे एक्सपर्ट हो, अपने दोस्तों के बीच में तो मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे से एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है। कभी भी कोई भी चीज़ हो जाती है ना फाइनेंशियली, मेरे से एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है। तो हम तीन दोस्त, एक प्रैक्टिस करता है, मैं टीचिंग में और स्टूडेंट के साथ ज़्यादा रहता हूँ, और एक सैलरीड है यानी वो जॉब करता है। तो हम तीनों किसी को भी फाइनेंशियली इक्वली एडवाइस देते हैं, फिर हम लोग कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं, फिर बाद में अपना ओपिनियन देते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड।
स्टैटिस्टिकल मेथड को ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है। क्यों ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है? क्योंकि वहाँ पे बायसनेस, जजमेंट, ओपिनियंस वगैरह नहीं रहते। यही रीज़न से मेथड को बहुत सुपीरियर मेथड माना जाता है। ऑल दो एक्सपर्ट आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली नंबर्स के साथ खेलना, ट्रेंड्स के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन सर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो वो नहीं बता सकता है, जो कोई एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। इसलिए आप देखेंगे आज तक या कोई भी न्यूज़ चैनल पे जब भी रफेल आता है या कोई भी चीज़ होती है तो वो विशेषज्ञ को बुलाते हैं। विशेषज्ञ मतलब क्या होता है सर? एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। पास्ट ट्रेंड, पाकिस्तान इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई हुई, ये तो फैक्ट है। इसके बेसिस पर प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है कितनी लड़ाई हो सकती है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ स्टैटिस्टिक्स नहीं दे सकती वो एक्सपर्ट दे सकता है। पर फिर भी लोग हर बात पे एक्सपर्ट को एंगेज नहीं कर सकते और हर चीज़ में एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं रहती। प्लस एक्सपर्ट महंगे रहते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता हूँ उस केस में, तो हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड लेते हैं। बच्चों आपने बचपन में कुछ सीरियल्स देखे होंगे, अब ये टेबल वेबल हटा दूं मैं? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैन बी यूज्ड अलोंग विद। अब मैं बोलूंगा टी और शुगर कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन हो सकता है तुम बिना शुगर के भी टी को कंज्यूम कर सकते हो। तो हमेशा टाइड बोलना हमेशा गलत है। अब कार पेट्रोल का लेगा तो भाई ये टाइड हो गई बॉडी पार्ट। तो आंसर इज सब्जेक्टिव, डिपेंड करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सूरज रावत ने क्वेश्चन पूछा, टाइड डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड सेम है क्या? आंसर इज समटाइम यस समटाइम नो। जो चीज़ समटाइम यस समटाइम नो रहती है उसको अपन डिस्कस ही नहीं करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स डिस्कस नहीं करते। बेटा स्टैटिस्टिकल मेथड में बचपन में तुमने मम्मी के साथ बैठ के कुछ डेली सोप देखे होंगे। डेली सोप समझते हैं क्या बेटा? डेली सोप यानी रोजाना साबुन नहीं, ए डेली सोप मतलब साबुन नहीं रे सर, डेली सोप यानी कि सास बहू का रोना धोना। ओमकार यस, अभी क्यों पूछ रहे हो? अब सुनिए मेरी बात सर, डेली सोप देखे हैं क्या अपन ने? सास बहू का रोना धोना, राशि कुकर से चने निकाल के खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, ये देखे हैं तुमने सर? देखे हैं। उसके अंदर एक बंदा रहता है सर, वो कहानी जो रिवॉल्व होती है ना, एक चलो आपको स्टोरी बता देता हूँ। अब स्टोरी कहाँ से कहाँ जाएगी, पर मैंने आपको बोला है, ये एक औरत है, बाल भी बना देता हूँ, ये दूसरी औरत है। एक झटके में तुम बता दोगे देखना अभी कि सास कौन है और बहू कौन है, अभी देखना है, एक झटके में बता दोगे तुम सर। ये इतनी बड़ी बिंदी लगाने वाली, अब इतनी बड़ी बिंदी लगाने वाली अगर कोई रहती है तो अपने को समझ में आ जाता है ये वैम्प का रोल कर रही है। देखा होगा आप सबने, देखो इसने साथिया देखा है, राशि बहू, हाँ जी। तो सर देखते से ही समझ में आ जाता है वैम्प है, ठीक है। कहानी इन दोनों की चलती रहती है और इसके अंदर से एक विचित्र सा आदमी रहता है जो इसका हस्बैंड है, जो औरत और अपनी माँ के बीच में फंसा हुआ रहता है, हमेशा उदास, ठीक है, हमेशा उदास, जिंदगी से दुखी। ये अक्सर तुमने इसको देखा होगा कि इसके हाथ में एक बैग रहता है और ये कुछ नहीं करता सर, ये कुछ भी नहीं करता। पता नहीं इतना बड़ा बंगला ये लोग कैसे पाल लेते हैं सर, कुछ नहीं करते, आधे से आधा टाइम घर पे बैठा रहता है। एक आधी बार इसको ऑफिस में दिखा देते हैं तो ऑफिस में ये क्या करता है सर, बस इतना ही बताता है, पिछले साल हमारी सेल्स इतनी थी, इस साल कॉम्पिटिटर को देखते हुए और हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को देखते हुए, खास करके मिसेस मालिनी ने जितना अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, सेल्स को बूस्ट किया है, हमें लगता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी इस साल की सेल्स 500% बढ़ जाएगी, तालियां, ठीक है। बस भैया इतना ही काम करते हुए दिखाते हैं। तो सर पूरी स्टोरी भूल जाओ, स्टोरी सिर्फ इतनी सी थी कि यह है ट्रेंड प्रोजेक्शन। अरे गोपी बहू और उसके पति को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एमजी बोलती थी ना इसको, इसका लैपटॉप धो देती थी साहब। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड साहब। ये लोग कुछ नहीं करते थे पर एक चीज तो सिखा के गए, पिछले साल के ट्रेंड को देख के आगे आने वाले ट्रेंड को एक्सपेक्ट करना, स्टैटिस्टिकली इसको बोला जाता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। दूसरे मेथड आपने स्टैटिस्टिक्स में सीखे हैं, वरायंस मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। सिर्फ नाम है आपके सिलेबस में, आपको यूज करने के लिए नहीं बताया।
वरायंस मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, फिटिंग, ट्रेंड, प्रोजेक्शन मेथड। ओ सॉरी, बहु के बाल। ए बहु, तूने तो घूंघट पहनना चाहिए इनके हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से। ले बाबा, बाल भी बना दिए और ये घूंघट में भी डाल दिया, और यहाँ पे एक ससुर बैठा रहेगा ऐसे मस्त कमर टिका के, ये हाथ पाँव है उसके, ऐसे कुर्सी पे बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। ये न्यूट्रल है, ये कभी कभी इसका भी साथ देता है, कभी कभी इसका भी साथ देता है, इसका कोई खुद का ओपिनियन है ही नहीं सर, इसलिए एक्सपर्ट बन नहीं सकते। दिन भर चाय, अखबार, चुप चुप के इसके साथ चुगली, और कई बार इसका भी साथ, बस यही चलता है, कॉमन सीरियल है। मैं बना लूँ एक सीरियल? सर आपने तो सिंदूर लगा दिया। मैंने सिंदूर नहीं बेटा, वो सिंदूर नहीं है, वो घूंघट है, घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार किया है। कैसे बात कर रहे हो सर, सिंदूर नहीं लगाया, इतना बड़ा घूंघट? अरे बाबा, घूंघट के साथ उसने वो पूरा कपड़े पहने, अब तुम इसको भी कपड़े पहना दिए। बाबा तुम लोग बहुत बेकार लोग हो, इसको भी पहना दिए, सबने लाल कपड़े पहने। अभी अपने पास ज़्यादा चॉइस नहीं, एक कपड़ा लाते काट के चार लोग पहन लेते हैं, समझ में आया? सर ये है स्टैटिस्टिकल मेथड। आइए जी पढ़ते हैं। मेरे को सीरियल के बारे में बहुत पता है, मेरे घर पे 3 जनरेशन है लड़कियों के। अभी मेरी भांजी जो मेरे से आने वाली आगे वाली जनरेशन है, मेरी दीदी मेरी सेम जनरेशन की, मेरी मम्मी उनके ऊपर की जनरेशन, मेरी दादी जी मेरी दादी जी जो है उनको गुजरे हुए कुछ साल हो गए, लेकिन ये मस्त देखते थे। मतलब पहले भी 3 जनरेशन थी, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी बहन की, अब दादी माँ नहीं है, मम्मी, बहन और भांजी, ये 3 जनरेशन है, दिन भर चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो अपने को भी मसाला चाहिए रहता है ना लाइफ में। तुम अरे सीरियल वालों के भी नाम पूछो, अपने को पता है वो कौन सा सीरियल है जिसमें वो रॉकस्टार है लेकिन एक भी कॉन्सर्ट नहीं किया। उसके बाद कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। कुमकुम भाग्य में वो रॉकस्टार है, एक भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। और क्या है रे ऐसा, उस लड़के के अंदर 3-3 लड़कियां मर रही है, और वो क्या है, वो लड़की आधे दिन तो किडनैप हो जाती है। कुमकुम भाग्य के अंदर प्रज्ञा नाम की लड़की आधे से ज्यादा टाइम तो किडनैप। मैं हफ्ते में एक आधी बार नीचे जाऊँ, मम्मी क्या चल रहा है, अरे वो किडनैप हो गए। मैं बोला अभी पिछले हफ्ते तो किडनैप नहीं हुए, फिर से किडनैप हो गए। उसका जन्म ही आधा टाइम किडनैप होने के लिए हुआ है। और प्लस जो उसमें लीड हीरोइन है वो पहले मेन हीरो से शादी करेगी, फिर जो हीरो है वो किसी और के साथ भी शादी करेगा, फिर जो मेन हीरोइन है किसी विलन के साथ शादी करने की एक्टिंग करेगी, बाद में इनके बच्चे हो जाएंगे, बच्चे एक दूसरे को मिलाएंगे, अरे यही चल रहा है। और फिर वो कुंडली भाग्य में क्रिकेटर बताया एक, वो बावले 2 लड़के, एक सुपर हिट बिजनेसमैन है और एक क्रिकेटर है, दोनों एक लड़की के पीछे भाग रहे, दोनों ही काम नहीं करते, अरे क्या चल रहा है रे। अरे मैं कैसे देखूंगा, वो देखते इसलिए मेरे को पता रहता है। और चलो वो भी खत्म। अब भैया कोई बुढ़ा है तो मेरे डैडी की दुल्हनिया भी लेकर आ गए, अरे लड़की की शादी की उम्र हो रही है, पप्पा रोमांस कर रहे हैं उसके, अरे क्या चल रहा है ये। और घर वालों को मजा आ रहा है, अरे भाई 40 साल के ऊपर वाली उम्र वालों को मजा आ रहा है, अरे वाह वाह देखो रोमांस चलता है इस उम्र में। अरे रोमांस, भगवान का नाम याद करो, तुम रोमांस देख रहे हो, मेरे डैड की दुल्हनिया, लड़की की लाइफ में कॉम्प्लिकेशन अलग चल रही है। फिर लोग बन जाते एक दूसरे के वास्ते, अरे सेठ क्या लफड़ा है ना, मैं बोलूं इतना बकवास लगता है। अरे तुम कार्टून का भी पूछो, घर पे कार्टून भी आधे से ज्यादा टाइम चलते रहते हैं। वो छोटा भीम, एक सवाल पूछूंगा तुमसे, बुरा मत मानना, ये छोटा भीम है, छोटा भीम की जेब हमेशा खाली रहती है, फिर भी जेब से 2 लड्डू कैसे निकाल लेता है, कैसे निकाल लेता है? ओ आई डोंट नो एंड आई डोंट वॉन्ट टू नो। तो भैया अपने को नॉलेज बहुत है, पर चलिए छोड़िए। तो सर ये रहा आपका स्टैटिस्टिकल मेथड, आइए जी पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड, फोरकास्ट यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड आर कंसिडर्ड सुपीरियर, सेट सुपीरियर है, बिकॉज दे आर मोर साइंटिफिक, रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मतलब सर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ जी, हाँ हाँ, ये हमारे पूरे ग्रुप से निकला हुआ सवाल है, यानी हम जितने टीचर थे ना श्रेया, हम सब ने मिलकर डिस्कशन किया। तुमको क्या लगता है ये सारे हम टीचर से बहुत सीरियस बातें करते? नहीं, हम फुकट की बातें भी करते हैं, हम भी बात करते हैं भैया खाली कुकर किसने चढ़ा दिया गैस पे, हम भी बात करते हैं छोटा भीम का क्या चल रहा है आजकल, इंसाफ दिलाओ चुटकी को, यानी 5-6 मिनट का टाइम पास होता है, तो भैया बहुत फन रहता है।
बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। चाय पे चर्चाएं होती है हमारी, अपना भाई चाय पे चर्चा रखनी है, आप सब लोगों को 5 बजे एक बार बुलाऊंगा, मस्त चाय पियेंगे, चर्चा करेंगे। तो भैया ये हो गया। इसके अंदर ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड याद रखिएगा, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के अंदर क्या है सर, सास बहू वाले शो वाली बात। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, दिस मेथड नोन एज क्लासिकल मेथड इज कंसिडर्ड एज नाइव अप्रोच। सर नाइव मतलब मासूम, भोला। सर भोला इंसान किसको बोला जाता है, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करता है, ज्यादा आगे का सोचता नहीं है, नाइव है सर। नाइव मतलब भोला, भोला। सर इसको क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, नाइव मेथड भी बोलते हैं। इसी के अंदर ग्राफिकल और फिटिंग ट्रेंड लीस्ट स्क्वायर मेथड आता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड यानी वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है आपको। जी 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 जी, छोटा भीम बड़ा नहीं हुआ, छोटा भीम बड़ा नहीं हुआ आज तक। बीच में एक ट्रेंड चल गया था कुछ महीने पहले, चुटकी को इंसाफ दिलाओ, कि भैया वो इंदुमती से शादी कर रहा है, छोटा भीम इंदुमती से शादी कर रहा है, चुटकी को इंसाफ दिलाओ। तो शो के प्रोड्यूसर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि भैया हमने ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। तो भैया इतना फेमस हो गया वो शो, फिर जाके मेरे को पता चला उसके बारे में। डोरेमोन, हाँ जी सर, FM में मैथ का यूज ऐसा यूज नहीं है बेटा, ऐसा यूज नहीं है मैथ का, ऐसा कचरा यूज नहीं है अपने को, इतना खिचड़ी वाला यूज नहीं है बेटा। ये समझ में आया क्या आपको? फिर एक आता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही रिग्रेशन एनालिसिस होता है। रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आपके रियल लाइफ में एग्जांपल, हाँ जी सब रिग्रेशन एनालिसिस में आपको एक तरह से इन शॉर्ट बताता हूं। आप समझिए एक इंसान के लिए चॉकलेट मिल्कशेक बनाने के लिए जा रहे हैं, खुद के लिए चॉकलेट मिल्कशेक। तो पहले जब आपने उसके अंदर कुछ चीज़ें डाली और बनाए तो शेक बहुत थिक बन गया। फिर आपने उसके अंदर दूध डाल दिया, अगली बार उसको ग्राइंड किया तो देखा बहुत ज़्यादा लिक्विड बन गया। फिर आपने और कुछ तो भी डाला, कुछ अलग आउटकम आया। तो करते 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 आपने बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक किए। इसी को एक तरह से बोला जाता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में आपको एक इक्वेशन बना के दे दी जाएगी। लेट्स से y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इन्होंने क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। यहां पर क्या बोला जाता है, यहां पे आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू दिया जाता है, दिया डोरेमोन तो ठीक है सर, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी जाती है। आपको एक्स एक ऐसी सामग्री है उसको चेंज करके डिमांड को चेंज करना पड़ता है। यानी कि सर आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से वाई इज इक्वल्स टू फाइनल डिमांड एंड एक्स इज इक्वल्स वाई इज इक्वल्स टू फाइनल डिमांड। एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। रिग्रेशन में ये दिया जाता है वाई इज इक्वल्स टू फाइनल डिमांड एंड एक्स इज इक्वल्स टू इनकम। ए इज इक्वल्स टू 100 एंड बी इज इक्वल्स टू 70%, ऐसा दिया है। अब इसका मीनिंग समझो बेटा, अगर मैं वाई फाइनल डिमांड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स में पुट करता हूँ, तो ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू कितनी है 0.7 है। अब मैं जैसे एक्स पुट करूंगा वैसे वाई चेंज होगा। अगर मैं एक्स 100 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 170, मैं एक्स 200 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 240, मैं एक्स 1000 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 800। तो इसमें क्या किया जाता है, एक ऐसा रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया जाता है, एक रिलेशनशिप बनाते। कौन बना के देता है सर, ये एक्सपर्ट बना के देता है। वो बोलता है तू सिर्फ ये चेंज कर, ये कुछ भी हो सकता है, ये प्राइस भी हो सकता है सर, ये इनकम भी हो सकता है, तू सिर्फ इसको चेंज कर, तेको फाइनली कितनी डिमांड आएगी वो पता चल जाएगा। स्वयं प्रभु आ गए। हेलो सर कैसे हो सर, आपका जो किस बार डाला मैंने, ये रोहन सर का जोक है छोटा भीम वाला, कल रोहन सर से ज़रूर सुनवाइएगा। रोहन सर आपके जोक की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे छोटा भीम वाले की, वो दो लड्डू कहाँ से लेकर आता है।
तो दोस्तों ये हो गया आपका रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली आपको एक इक्वेशन डिराइव करके दी जाएगी, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके दिया जाएगा और आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डालने, सिर्फ x को चेंज करो y चेंज हो जाएगा। और तुम तो जानते हो x तो चेंज होता ही रहता है और होती ही रहती है, x तो चेंज होना ही है, तो यहाँ पे तुम्हें x को चेंज करना है, y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। समझ में आया? बस x को चेंज करो, नहीं भी करा तो तुम्हारी तो x वैसे भी चेंज हो जाती है। लड़कों की लाइफ में एक बड़ी अजीब चीज रहती है, नॉर्मल लोगों की लाइफ में कैसा रहता है, क्रश, क्रश के बाद गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड और उसके बाद एक्स। लड़कों का विचित्र है, क्रश एक्स, मतलब क्रश है, कल करके नई वाली क्रश मिल गई तो ये क्रश सीधा एक्स बना देते हैं, अरे वो तेरी गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था भी नहीं, सीधा क्रश एक्स। ये बीच का कॉन्सेप्ट नहीं है सर, अपने को पैदा होना मरना, जीना तो है ही नहीं सर, अपन सीए हैं वैसे भी। देखो सर ने बताया उसको तो पॉकेट भी नहीं होता है। ठीक है, तो भैया तो सीधा तुम भैया x डालो, तुम्हें y आ जाएगा और x चेंज होता है, तुमको याद रहेगा। द रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, x और y के बीच में रिलेशनशिप निकाला जाता है, x को चेंज करना है बस। ये x क्या हो सकता है सर, x कुछ भी हो सकता है, तुम भी जानते हो x तो कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी रूप ले सकती है, इनकम, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। Once the relationship established, the relationship established हो गया, we derive regression equation by assuming linear equation will be formed y is equals to a plus bx, a और b constant है, सर a और b क्या है सर, constant है, दो दोस्त है अपने, ये constant है, x change होता है उसके कारण y change होता है, वही मैंने बोला। अगर आदमी सीए कर सकता है दो आदमी, हाँ जी सर, एक्स समझ में आया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, बस अपन खत्म ही करने वाले, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बहुत भारी रहता है, ये यूएस में होता है जनरली, बहुत भारी है। तुम बोलो कि सर अपने देश में क्यों नहीं होता है, सर अपने देश में नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा स्टोर रहता है, लेट्स से वॉलमार्ट, सर वॉलमार्ट है ये, वॉलमार्ट के बाहर ना कुछ लोग खड़े रहते हैं, ये डाकू दिख रहा है पर ये डाकू नहीं है सर, वॉलमार्ट के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं और जो कस्टमर आता है ये उसको ना $1,000 देते हैं, ले भाई ले $1,000 ले, देखो जो लेकर आना है लेकर आ, बस आते समय मेरे को बिल दे दियो। अब बिल क्यों ले रहा है ये जानना चाहता है कि भैया आपने क्या क्या परचेस किया, ये आपकी एक्चुअल परचेज, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे ना बेटा, जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज है वही आप परचेस करोगे, ऐसे तो आप कुछ भी ओपिनियन किसी को भी दे दोगे, पर अगर मान लो आपको पैसे मिलेंगे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज परचेस करोगे, तो सर $1,000 दे देंगे तुमको और बोलेंगे जा जो चीज तेरे को खरीद के आनी खरीद के आ, बिल दे दे मुझे तेरा, वो $1,000 की परचेस तेरी, अब हजार नहीं देंगे 100 देंगे समझो। तो सर इसको बोला जाता है क्लोज एक्सपेरिमेंट, वो एक छोटे से इन्वायरमेंट में क्लोज एक्सपेरिमेंट किया जाता है। रिग्रेशन मतलब एक रिलेशनशिप डिराइव करना, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव करना जिसमें कुछ फैक्टर चेंजिंग है कुछ फैक्टर कांस्टेंट है। आगे पढ़ते कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, इसको मार्केट मेथड भी बोला जाता है, मार्केट एक्सपेरिमेंट। अंडर दिस मेथड फ्यूचर डिमांड इज एस्टिमेटेड बाय कंडक्टिंग मार्केट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट ऑन कस्टमर्स बिहेवियर अंडर एक्चुअल थ्रू कंट्रोल्ड मार्केट कंडीशन। सर यहाँ पे एक्चुअली पैसा दिया जाता है। एंड लास्ट वन है सर बैरोमेट्रिक, बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर ना इन्वायरमेंट या फिर टेम्परेचर जो क्या बोल सकते हैं इसको, वेदर, वेदर सर बैरोमीटर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो जिस तरीके से बैरोमीटर से आप वेदर को फोरकास्ट करते हो तो इन्होंने एक मेटाफर यूज किया, मेटाफर यूज करने का मतलब है कि एक्चुअली बैरोमीटर लेके नहीं घूमते सर, ये बैरोमीटर लेकर घूम रहे हैं कितनी डिमांड है ऐसे नहीं पता चलता। बैरोमीट्रिक मेथड का मतलब होता है जिस तरीके से तुम बैरोमीटर से वेदर कंडीशन पता करते हो उसी तरीके से कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझ के तुम डिमांड चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सर, मैं क्लोथिंग इंडस्ट्री में हूं और कोरोना आ गया,
तो भैया ये बैरोमेट्रिक टेक्निक है, ये मैक्रो लेवल की टेक्निक है कि कोरोना है तो भैया कोरोना है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। सर जीडीपी बहुत ज्यादा है आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी गिर रही है आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी, तो भैया ऊपर के सारे जितने मेथड है माइक्रो लेवल पे चेक होते हैं, ये वाला मेथड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आपको बताएगा कि जो चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप डिमांड वगैरह चेंज करें। फॉर एग्जांपल साहब मैं इंफीरियर गुड्स बनाता हूं, मैं सस्ते जूते बनाता हूं 200-300 रुपए के, इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा, पर इकोनॉमी अगर गिर रही है तो मेरा प्रोडक्ट चल जाएगा। तो ये क्या है, मैक्रो लेवल की कंडीशन, इसको बोला जाता है बैरोमेट्रिक टेक्निक। फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन और वैरियंस निकालना। मैंने आपको बोला अपने सिलेबस में सिर्फ नाम है, इसको बोला जाता है, मैंने लिखवाया था वैरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको नहीं है सिलेबस में, सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया, आज तक क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं ये। फिटिंग ट्रेंड लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब होता है वैरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कैसे निकालना है वो भी मुझे आता है, लेकिन पहले मीन निकालो, मीन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू लो, उसका स्क्वायर लो, इनटू प्रोबेबिलिटी का समेशन लो, वैरियंस आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, सोचो भी मत, पूछो भी मत, इंटर में है। जस्ट एज मेट्रोलॉजिस्ट यूज बैरोमीटर टू वेदर फोरकास्ट द वेदर, इकोनॉमिस्ट यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर। बेटा अपन चैप्टर नंबर 8 लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कंकरेंट इंडिकेटर में पढ़ने वाले हैं। द इंफॉर्मेशन इज यूज टू फोरकास्ट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट थ्रू नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी डिमांडेड। सर वातावरण को पता करके अपन पता करेंगे कि क्या रहेगा डिमांड। होता है घर में भी सर, घर का माहौल देख के अपन बातें करते हैं, मैक्रो लेवल की कंडीशन देख के हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में पता करेंगे। समझो तुम्हें बचपन में ट्रिप पे जाना था तो तुम मम्मी से पूछते थे कि पापा से किस टाइम पे पूछूं, तो मम्मी बोलती थी खाना खाने के बाद उनका मूड अच्छा रहता है, आज मैं कुछ अच्छा बना देती हूँ, हाँ बोल देंगे। तो भैया वातावरण को देख कर ये चीजें होने वाली है। फॉर दिस पर्पज द इंडेक्स ऑफ रेलेवेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर पूछो मत मुझसे, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, लीडिंग लैगिंग कंकरेंट। कंगलोग एट कॉन्गलोग नहीं समझा मैं, गुरुजी मेरे क्वेश्चन का तो आंसर बता दीजिए कि रोहन सर कल से आएंगे क्या। हाँ जी कृष्णा जी आएंगे सर, अभी मेरे को बीच में रोको मत ना, तुम रोक नहीं सकते मुझे, आज मैं पढ़ाएगा सर। इसके लिए आपको 3 इंडिकेटर दिए जाते हैं, लीडिंग लैगिंग कंकरेंट। सर ये आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, कौन से इंडिकेटर है सर? सर ये इंडिकेटर मैक्रो लेवल के इंडिकेटर है सर, ऐसे छोटे मोटे इंडिकेटर नहीं है सर, यहाँ पे नहीं दिया इन्होंने, मैक्रो लेवल के इंडिकेटर होते हैं। तो भैया एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं, आज रात को चार्ट रिविजन होगा, चार्ट मैराथन होगा आपका, चार्ट मैराथन में हो जाने के बाद मैं आपको पूरे चैप्टर का 10 मिनट में पूरा रिवाइज करवाऊंगा। सर सबसे पहला है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन में सबसे पहला रहता है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, सबका आपको डिमांड फोरकास्ट करते आता है, फिर उसके बाद सैंपल सर्वे मेथड कुछ ही लोगों का करते हैं, और फिर आप एक परसेंटेज डिराइव कर लेते हो, और एंड यूज मेथड में जब आप कुछ रॉ मटेरियल या फिर मशीन या फिर इनपुट बेच रहे हो। कलेक्टिव सेल्स ओपिनियन में सेल्समैन को दौड़ाते हैं, इसको सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और ग्रास रूट लेवल मेथड बोला जाता है। फिर सर एक्सपर्ट ओपिनियन में ओलिफ हेमलर ने रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए के अंदर डेल्फी टेक्निक डेवलप करी है, वो राउंड टेबल याद रखना। स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर और फिटिंग ट्रेंड, ये दो चीज़ें होती है मैंने आपको बता दिया। रिग्रेशन में एक्स और वाई का रिलेशनशिप, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो एक्स इसमें चेंज होती है, आपको पता है एक्स तो चेंज होती ही होती है। फिर सर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है, वॉलमार्ट वाला एग्जांपल, पैसा दिया जाता है एक्चुअल आपको खर्च करने के लिए, बैरोमीटर में मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन देख के आपको बताया जाता है, एंड इट्स डन। आई एम ओपन फॉर क्वेरीज, दिस पार्ट इज फॉर होमवर्क फॉर क्विक प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए ही आप करेंगे। निखिल कुमार कम से कम 60% एमसीक्यू मॉड्यूल के ही आते हैं स्ट्रेट अवे जी। सर रिकॉर्ड करना है अभी थोड़ी, अभी गला बैठ गया, अभी अपन करेंगे इसको रात को जब 12 से 2 अपना चलने वाला है तो 2:30 बजे के करीब रिकॉर्ड करेंगे। सर ये टॉपिक के कैसे क्वेश्चन आते हैं, आते ही नहीं है क्वेश्चन इस पर। सर वाई हमेशा देखो, ए और बी कौन है सर, सुनना मेरी बात,
सर वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है। सर एक्स तो चेंज होती है, वाई कौन हो? तुम हो। ए कौन है? माँ बाप। ये कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा साथ रहते हैं। और बी कौन है? दोस्त। तो देखो एक्स के कारण दोस्त पे प्रभाव पड़ता है और दोस्त के कारण भी एक्स पे प्रभाव पड़ता है। माँ बाप तो कांस्टेंट है, उसमें किसी का इंपैक्ट नहीं होता, और इन सबको तुम्हें झेल के चलना पड़ता है। वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। जा सकते हैं बेटा। जी 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 लेके आ जाइए, पावर नैप शैप लेकर आ जाइए। आईसीआर साइट पर इको एम बी सी के पास पेपर क्यों नहीं है? क्योंकि रूल ऐसा है कि जो एमसीक्यू वाले पेपर रहते हैं ना बेटा, एमसीक्यू वाले पेपर रहते हैं, उसके पेपर डिस्क्लोज नहीं करते, तो आपको उसके पास्ट ईयर के क्वेश्चन कहीं नहीं मिल सकते। फिर तुम बोलोगे सर स्कैनर में कैसे मिलते हैं? स्कैनर में मेमोरी बेस्ड रहता है। जैसे कि तुम पेपर देकर आए, मुझे बताओगे कि ये क्वेश्चन आए थे सर, मेमोरी बेस्ड। मैराथन लेक्चर अवेलेबल होगा बाद में, संडे को मनन एमसीक्यू क्विज़ संडे को दो हैं सर, 12 से 2। आप लोगों का चार्ट रिवीजन होने वाला है। चार्ट रिवीजन कौन सा वाला? ग्राफ रिवीजन। चलिए जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए।